देश में 5G सर्विस लॉन्च हो गई है। 5G सर्विस लॉन्च होने के बाद कहा जा रहा है कि अब यूजर्स को 4G नेटवर्क के मुकाबले 5G नेटवर्क में 10 गुना स्पीड मिलेगी। इसके साथ कई चुनौतियां भी है, जैसे पहले से ही इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया भर के 117वें पायदान पर है। अभी भी इंटरनेट यूजर्स के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच बड़ा गैप है। ऐसे में स्पीड के मामले में दुनिया में कौन देश है सबसे आगे और पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत कितना पीछे है। लंबे समय से नॉर्वे हाई स्पीड इंटरनेट देने वाले देशों में बना हुआ है। ग्लोबल मीडियन स्पीड्स रिपोर्ट के अगस्त के आंकड़ों की माने तो नॉर्वे पहले और संयुक्त अरब अमीरात दूसरे पायदान पर है। इसके अलावा कतर, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर है। ग्लोबल मीडियन स्पीड्स रिपोर्ट 2022 में अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में 117वीं रैंक के साथ भारत पाकिस्तान से भी एक पायदान पीछे है। भारत में ही अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना की जाए तो बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे शहरी क्षेत्रों में 40% और ग्रामीण क्षेत्रों में 63% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अभी भी 75% और शहर में 34% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। वही बात करें 4G और 5G की स्पीड में कितना फर्क होने वाला है और HD फिल्म डाउनलोड करने में आपको कितना देरी लगेगी। 5G कनेक्टिविटी में 4G के मुकाबले यूजर्स को ज्यादा तकनीकी सहूलियतें मिलेगी। 5G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 10 GB प्रति सेकंड तक मिलेगी, जो अभी 4G में 150 MB प्रति सेकंड तक ही सीमित है। 5G कनेक्टिविटी में यूजर सिर्फ कुछ सेकंड में ही बड़ी से बड़ी साइज वाली फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। 5G की मदद से 1 GB साइज की फुल HD फिल्म को डाउनलोड करने में केवल 7 सेकंड का समय लगेगा, जबकि इसी साइज की फिल्म को डाउनलोड करने में 4G इंटरनेट को 40 मिनट तक और 3G को 2 घंटे तक का समय लगता है। यदि 2G से इंटरनेट मुकाबला करें तो इसी साइज की फिल्म को डाउनलोड करने में 2G कनेक्टिविटी में 67 घंटे तक का समय लग जाता है। दूसरी तरफ 5G कनेक्टिविटी से ये बिना स्पीड कम हुए भी कई और डिवाइसेस के साथ जुड़ सकेगा। बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई में हुई थी और उसके बाद से ही लोगों को 5G सर्विस का इंतजार था। आखिरकार भारत में भी 5G सर्विसेज की शुरुआत हो रही है, हालांकि इसका पैन इंडिया एक्सपेंशन होने में वक्त लगेगा। जियो और एयरटेल दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विसेज ऑफर करेगी। इस लिस्ट में वोडाफोन आइडिया भी शामिल है, लेकिन कंपनी ने 5G लॉन्चिंग पर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। जियो की सर्विस शुरुआत से ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मिलेगी। कंपनी अगले साल के अंत तक सर्विस का विस्तार अन्य राज्यों में करेगी। शुरुआत में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स का फोकस बड़े शहरों पे ही होंगे। वहीं एयरटेल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, उन्हें मौजूदा सिम कार्ड पर ही 5G की सर्विस मिलेगी। हालांकि इसे यूज करने के लिए उनके पास 5G फोन होना भी जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से खुशबू की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।